तो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी, आपका स्वागत है मेरे नए वीडियो में। एंड मैंने आपको बताया था कि जल्दी नई वीडियो आएगी, बट उसके लिए मेरे को 2 दिन लग गए लाने के लिए। एक्चुअली मेरे को थोड़ा बहुत काम भी होता है, तो फिर उस चक्कर में वीडियो लाना थोड़ा इम्पॉसिबल सा हो जाता है। अपनी जो मेरा ब्रदर है उसकी वेडिंग वीडियो शूट की थी मैंने, एंड उसी की सेकेंड पार्ट आज आया है, एंड मैं उसको अभी एक्सपोर्ट करने वाला हूँ। तो कृपा करके आप उसमें प्यार दें। तू कुछ रही है बाबे, तू हट, तू कुछ दोबारा
जोली बचा के रख भाई मन ओलक तुझे लगा तो कठल गए चलो ठीक है आगे चलो आगे देखो आगे आओ खुले रहो ना खुले खुले रहो सारे थोड़ी देर यही हो यार इस दरवाजे से और नीचे पड़े देखो सारे सब सब है
रंजन जोड़ी चाक के रख पागल जोड़ी छाने बस बाकी गोली में छत मेरे बीच मैं पकड़ने का नहीं जूझ अपने लगे समझाइए भाई आई चार किलो से तो चार किलो से तक तारीख किलो से तो मिनिमम तो तक 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 अलख झोली बस जाके रखो लास्ट अलख अलख क्या है इसलिए बाबू जा रहा है अलग कोई भाई ना जाएगा भाई जो बना लेंगे जरा दे दो मैनू धन्यवाद जी तुम अलख करके पकड़े नहीं जाए पीछे आवे सर पहला में जुआ मार ले बाबा 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 बाब
बस बस चल चल रेड़ा हुआ है तो चले आज का दिन रेड़ा हुआ है सब कुछ प्लानिंग था मैं प्लान और ये भी से चलो भाई कॉल कर दिया ये वीडियो एक रस्म के ऊपर है जैसे कि मतलब यहाँ पे 3, 5, 6, 7, 9 बंदे बनते हैं या आप 3 बंदे बना लो या 5 बना लो या फिर 7 बना लो या फिर 9 बना लो। तो हम 3 लोग बने थे बाबे जिसको मतलब भाबे जाते हैं मतलब जैसे बोलते हैं ना भिक्षा मांगने जाते हैं। तो उस दिन मेरे को जितना नॉलेज मैं उतना बताऊँगा एंड गर्ल्स ट्रिप दूँगा आपको एंड बोलते हैं ये उस दिन अपने अपने परिवार वालों से अपने सभी से माता पिता से भिक्षा लेते हैं और बोलते हैं कि आपके बंधन से मैं मुक्त हो रहा हूँ। और माता पिता बोलते हैं कि हमने तेरे को बड़ा पाल पोस कितना बड़ा कर दिया है अब तेरा एक आगे परिवार बसने जा रहा है तो तू उसमें खुश रहे एंड हम तेरे को मतलब भिक्षा देते हैं तेरे को भिक्षा दे दी आज आज की बात तू आजाद है हमारे बंधन से एंड तू शादी के मंदिर में बंधने जा रहा है। तो मेरा जो मानना है मैंने जो सुना है मैंने जो समझा है वहाँ पे मैं आपको वो समझा रहा हूँ बस इतनी सी बात है। माँ बाप का मतलब बंदे को मुक्त कर देते हैं एंड शादी के बंधन में बांध देते हैं उसकी धर्मपत्नी के रूप में बस ऐसा होता कुछ ये रिवाज होता है हमारा। एंड आपने देखा होगा 3 फेरे लगते हैं इसके पहले फेरे लगते हैं दूसरे फेरे लगते हैं एंड तीसरा फेरा भाई बहुत ही एक मतलब रोमांचक होता है जो आपने लास्ट में पार्ट देखा ना बहुत एक रोमांचक होता है। एंड इसमें बोलते हैं कि जो भाभी होती हैं जैसे मेरी मेरे से बड़ी भाभियाँ होंगी या छोटी होंगी मतलब भाभी बड़ी होती हैं वैसे तो और भाभियाँ बड़ी होती हैं और बोलते हैं भाभियाँ रास्ता रोकती हैं एंड अगर भाभी ने रास्ता रोकने में अगर रोक पाती हैं तो फिर पता नहीं क्या बोलते हैं बट रास्ता नहीं रोक पाया तो फिर भाई बोलते हैं देवर जीत गए या फिर भाभी ने रोक लिया देवर को बाहर ही तो फिर भाभी जीत गई। अब मेरे को जितना मेरे को थोड़ा बहुत पता है इसके बारे में अगर भाभी ने अगर रास्ता रोक लिया तो क्या होता है फिर मतलब भाभी की सुननी पड़ती है ऐसा पता नहीं अब मेरे को पूरा पता नहीं इसके बारे में बोलूँगा नहीं कुछ भी। एंड मैं पहले पूछूंगा घर वालों से कि अगर भाभी ने रास्ता रोक लिया तो क्या होता है वो आपको मैं कमेंट में बताऊँगा या फिर आप मेरे को बताना कमेंट सेक्शन में कि अगर भाभी ने रास्ता रोक लिया देवर का तो फिर क्या होता है आप मेरे को कमेंट करना जिसको पता है ठीक है। एंड चलो देखो पूरी वीडियो।